मैं आरसी लेके आज स्पेशली ऑफ रोडिंग के लिए आया हूँ। ओ कुत्तो बीच में मत आना। मंथन की बाइक के एग्जॉस्ट का नट गिर गया, फास्ट तो फुल ऑन ऑफ रोड हो गया आरसी पे। स्पेस अच्छा है ना इधर, मस्त बड़े बड़े टेबल है। हाईवे पे गए ना तो धक 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 धक। पैसा तो ले रहे अंकल, रोड तो बना देते बढ़िया सा। कहा डिस्काउंट नहीं कहा वाला। अभी बाइक गिरने वाली थी। ये देखिए कैसे रास्ते हैं। तो ये रहा अपना पूरा लाइनअप। सो हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गेट शिफ्टर्स इंडिया। तो अभी बज रहे 5:30 और मेरे घर के बाहर मंथन और ओमकर आ गए हैं। आपको दिखाता हूँ, ये रही अपनी आरसी और ये मंथन की NS 200 एंड अपने ओमकर भाई की हिमालयन। तो हमारा डेस्टिनेशन है आज का मढ़े घाट। तो यहाँ से अराउंड अप्रॉक्स 80 किलोमीटर्स एंड हमारा जो मीटिंग पॉइंट है वो है नवले ब्रिज, यहाँ से अराउंड 25 किलोमीटर्स। तो ये लोग बराबर टाइम पे आ गए तो हम लोग अभी यहाँ से निकलते हैं। तो भाई गुड मॉर्निंग बोल दो सब। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके तो मैं अभी होता हूँ गैरअप, हो चुका हूँ ऑलमोस्ट, बस हम लोग ज़रा पहनता हूँ निकलता हूँ। तो मिलते हैं हम लोग आपको अभी रास्ते में सीधा नवले ब्रिज पे। और चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए सो अब देखिए निकल गए दोनों, मैं भी निकल रहा हूँ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। फ्यूल अप जो है मैंने करके रखा था, कल ही रात को ही कर दिया था, थोड़ा काम से लेट आया था तो 10 से पहले मैंने कर दिया था। तो जैसे मैंने बताया राइडर जो है, तो चलिए अभी जाके एक बार एग्जैक्ट काउंट पता चलेगा कितने लोग आ रहे हैं। सार्थक आज यहाँ नहीं आ रहा, सार्थक निकल गया है वहाँ पहुँच रहा है। नितेश आज राइड पर नहीं आ रहा, उसको कुछ काम है। मैं, ओमकार और मंथन, हम तीनों निकल रहे हैं नवले ब्रिज। तो देखते हैं यहाँ से अराउंड 25 किलोमीटर्स है मेरे हिसाब से। और फिर बायनर हाईवे पे हमें मिलेगा प्रनोद, वो ज्वाइन करेगा होंडा CB 300। तो वहाँ से फिर निकलेंगे सीधा नवले ब्रिज। लो भाई आ गया टाइम पे। गुड मॉर्निंग भाई। तो ये है अर्ली मॉर्निंग का नज़ारा हाईवे का। तो आगे प्रनोद है, मंथन है, मैं हूँ और पीछे ओमकार है। अरे भाई सारे मस्त भरा भरा लग रहा है आज आते थे। गुड मॉर्निंग। तो ये रहा ऊपर नवले ब्रिज, हमें पीछे होके जाना है नांदेड़ सिटी रोड के यहाँ से। तो टोटल आज बाइकर्स हैं 19, हमने चाय वगैरह पी ली, अभी निकलते हैं। और रास्ता भी काफ़ी ख़राब है, यहाँ से है कुछ 58 किलोमीटर्स और 1 घंटा 50 मिनट दिखा रहा था। मान के चलेंगे कि 2.5 से 3 घंटे हमें आराम से लग जाएंगे। तो सारे बाइक्स हैं अपना, RR 310 है, देन BFW 310R है, थोड़े अलग बाइक्स है KTM के अलावा, MT 15 भी है। तो चलिए सब गैरअप हो ही गए ऑलमोस्ट, चलिए तो निकलते हैं। अच्छा काउंट है आज, बढ़िया मज़ा आने वाला है। चल मेरे भाई, चल चल चल, बड़ी जल्दी है, लोगों को 1 सेकंड रुकने के लिए नहीं होता है। देखिए अभी हो रहे हैं 7:15 और ट्रैफिक देखिए, अभी सुबह सुबह ही संडे का दिन है, सुबह सुबह गाड़ियाँ दिख रही है। तो हम लोग जाने वाले हैं खड़कवासला होके, तो खड़कवासला का जो डैम है उसके सामने से होके जाने वाले हैं। तो आपको डैम भी दिखाते हैं, काफ़ी टाइम से मैं भी नहीं गया हूँ, तो आपको डायरेक्ट अभी मिलते हैं वहाँ पर। तो ये रहा खड़कवासला डैम, हम लोग पहुँच गए हैं। डेस्टिनेशन तो अपना अभी काफ़ी आगे है, तो जैसे मैंने बोला था रास्ते में दिखेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा खड़कवासला डैम। ये देखिए यहाँ पे आपको खाने के लिए भजी वगैरह वो सब मिलेगा। ये टाइम है जो मतलब लोग ज़्यादा होते हैं, अभी बारिश का जो टाइम चल रहा है, अभी थोड़ा कम हो गया वैसे पुणे में। रोड देखिए कितना बढ़िया लग रहा है सर, अर्ली मॉर्निंग में ना बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे वैसे। ये देखिए रोड ऐसा है पूरा, अभी तो काफ़ी बढ़िया है, आगे जाके पता लगेगा कितना ख़राब है। तो ये देखिए पहाड़ और ऐसे मस्त फॉग दिख रहा है, बादल दिख रहे हैं,
मस्त लग रहा है, खुला खुला। और मेरे घर से मैं अभी 40 किलोमीटर आगे, टोटल 40 किलोमीटर अभी तक, और 50 तो होगा मेरे हिसाब से। मैप्स में क्या थोड़ा कमी दिखाता है, अब जाके एग्जैक्ट पता चलेगा। तो मैं अभी सबसे लास्ट हूँ, चलते आगे। यहाँ से देखिए व्यू कैसा लग रहा है, ये रहा ख़राब रास्ता और आगे से जाना है हमें लेफ्ट उस साइड की तरफ। हाँ भाई चला जा, तू भी चला जा। थोड़ी सी धूप आ रही है बट देखते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि बारिश ना हो तो ज़्यादा बेटर है। ये रोड है देखिए, अभी अच्छा लग रहा है। ओ कुत्तो बीच में मत आना भाई। ओ खराब रास्ते आ गए, थोड़ा ही थोड़ा ही, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत है, इतना चल जाएगा भाई, ज़्यादा नहीं चाहिए। तो 5 से 7 मिनट हो गए हैं, ये ख़राब रास्ता ख़त्म होने का नाम ले नहीं रहा है भाई, पर चल रहे हैं। तो मैंने अभी पीछे बोर्ड देखा, तोरना फोर्ट भी है यहाँ पे, अराउंड 19 किलोमीटर्स है। मेरे क्राम पा रहा है यार, काफ़ी मज़ा आ रहा है देखिए ये रोड पे। रोड छोटा है लेकिन आपने देख ही लिया होगा अभी जैसे आ रहे थे फटाफट सब। तो अभी हम पूरा क्लाइम कर रहे हैं, ख़राब रास्ता है प्लस प्लस ऊपर ऊपर जा रहे हैं। तो सब लोग आगे पीछे हो गए थे तो हम लोग यहाँ पे रुके हैं वीडियोस निकालते हुए। सॉरी भाई मैं बीच में आ गया। तो ये अपने बाइक से सारे और यहाँ पे कुछ अच्छा बढ़िया सा भी नहीं बोलेंगे, ठीक ठाक है व्यू जो है। ज़्यादा क्लियरली दिख नहीं रहा है नीचे का, तो ये रहा अपना पूरा लाइनअप। फिर निकलेंगे आगे अभी। तो ये ऐसा रोड है आगे भी, तो हम लोग थोड़ा अभी नीचे की तरफ उतर रहे हैं। ये देखिए रास्ता पूरा खराब ही है, और ये सारा व्यू है यहाँ का। ये रास्ता तो और ख़राब हो गया, एक्चुअली मुझे कॉल आ गया, थोड़ा रुक गया था मैं। तो हमें यहाँ से कुछ 22 से 23 किलोमीटर बचा है अभी, और रोड ऐसा होगा तो हमें ऑलमोस्ट 1 आवर लग जाएगा पहुँचने के लिए। तो चलते हैं आगे, देखते हैं और क्या है। तो भाई अब जाके ये रास्ता अच्छा मिला, सब निकल गए होंगे। अच्छा 20 लगा भाई, हम 90 प्लस जा रहे हैं। भाई ABS होना बहुत ज़रूरी है आजकल, आप भी कोई बाइक ले रहे हो ना ABS वाली ही ले लिया, वैसे तो आती है पर अगर ड्यूअल चैनल होगा तो ज़्यादा बेटर है। वेले अभी 8 किलोमीटर बाकी है। तो अब जाके रोड मिला है, अच्छा है, थोड़ा बहुत ख़राब है, काफ़ी फटाफट आगे निकल गया। और ये यहाँ का व्यू है बढ़िया, वो देखिए पहाड़ और बादल, वो मैं देखना चाहता हूँ यहाँ पर। अगर हम कहीं और ऊपर जा रहे हैं तो मुझे लगता है ऊपर तो जाएंगे, मड़े घाट ऊपर ही होगा, तब कुछ बचा होगा मेरे हिसाब से 17-18 किलोमीटर। चलते देखते, काफ़ी बंदे आगे निकल गए हैं। ये तो और बढ़िया रोड आ गया, मस्त है।
देखिए वेले गांव भी इधर ही है और ये सबसे नीचे लिखा हुआ है मटे घाट, तो यही जाना है बराबर। ये कुछ ऐसा है रास्ता, पत्थर पत्थर वाला है। हाँ वो ख़राब से तो काफ़ी अच्छा है। वाह यार क्या व्यू है यहाँ का, व्यू तो इस साइड में है, क्या बात है। और रोड भी अच्छा वैसे। वाओ ये छोटी छोटी पत्थर है यार, मतलब रिस्की है थोड़ा पकाना है ऐसे रोड पे। व्यू देखिए आप, वाओ मस्त है एकदम, पूरा साइड बाय साइड है रोड के एग्रो। यस यहीं पे आए थे हम लोग, KTM ऑफिशियल राइड पे। ओहो क्या बात है, और दूर से नज़ारे लेने पड़ते हैं, आपको भी दूर से दिखाना पड़ता है। ओ अंकल साइड हो जाओ। बीच में खराब रास्ते, आ गया भाई खराब रास्ता। होटल ब्लू, तो अभी फिर ये रास्ता चढ़ान वाला है और देखिए खराब भी कितना है, मतलब जितना ही अच्छा रास्ता मिल रहा है ना आपको रास्ते में, तो उतना ही आपको खराब भी मिलेगा। तो जब अच्छा रास्ता मिलता है तब ये वाला रास्ता इंसान, मतलब हमारी बात कर रहा हूँ, एक झटके में भूल जाते हैं और फिर मस्त एंजॉय करते हैं वो रोड को। क्योंकि कॉर्नरिंग के लिए हाईवेज पे RC पे काफ़ी मज़ा आता है। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा रुके थे और यहाँ से अभी टोटल बचा है 8 किलोमीटर बचा है बस। सोच रहे थे यहाँ पे कुछ खाने का, बट एक बंदे से पता चला कि आगे भी है, तो मैंने बोला चलो ठीक है, हमने सोचा कहीं आगे ही चलते हैं कुछ खाएंगे। ये देखिए कैसे रास्ते हैं, खराब कितने हैं देखिए। ये तो ऑफ रोडिंग पैच हो गया। ओह भाई बर्न आउट हो रहा है उसका तो उधर ट्यूब वाले का। जाते हैं जाते हैं। लो भाई अपनी RC निकल गई आराम से। रुकेंगे वहां पे तो फिर वो ऑब्वियसली टायर वहीं पे स्पिन होगा। बड़े खराब रास्ते हैं, बड़े खराब। ओहो सिंगापुर, किस सिंगापुर। अभी स्लोप आ रहा है वापस से नीचे, पर मुझे आज लग रहा है कि मैं RC लेके आज स्पेशली ऑफ रोडिंग के लिए आया हूँ, ऐसा ही मुझे फील हो रहा है सच्ची बताऊँ तो। रोड भी काफ़ी, मतलब बीच में भगा भी नहीं सकते, बढ़िया अच्छा रोड बीच में, ज़्यादा अच्छा रोड कम ही मिला हमें, ज़्यादातर ख़राब रास्ता ही मिला है। ये देखिए क्या इस पर क्या है, ABS काम नहीं करेगा, पकड़ेगा छोड़ेगा गाड़ी और भागती है इधर उधर। देख ही होंगे कैसा रास्ता, कब से चल ही रहा है ये। क्या हुआ कैश है क्या, ऑनलाइन नहीं है। कैश वाला बंदा आप लोग एक ही है, सार्थक सिंह।
कार तक कितना बनना क्या क्या चार्जेस है? पर पर्सन 20 रुपीस पर पर्सन 20 रुपीस अपन ने 19 बोला 19 ही है दो दो तीन ज्यादा है नहीं नहीं 19 ही गाड़ी है ऑलरेडी मेरा लेकिन पर पर्सन अच्छा नहीं वो बाइक के हिसाब से होगा यार पिलिन हो कितने डाले 380 ना 380 दे दो भाई कैश और जिसने भी दिया है उसको थोड़ा थोड़ा करके दे दो यार भाई एक ही बंदा दे रहा है हाँ टीवीएस वाला बंदा याद रखना कहाँ का डिस्काउंट नहीं कहा वाला अब एवडे लोग है तुम्हें बगा ना जरा ओके लो भाई 20 चेंज चले चलो चलो भाई हो गया पैसा दे दिया 380 पर पर्सन 20 पर्सन इन मतलब बाइक के हिसाब से लिया पिलियन काउंट नहीं किया अपन ने बाइक्स 19 है पैसा तो ले रहे हैं अंकल रोड तो बना देते बढ़िया सा वाह क्या बात है फॉग ही फॉग धूप आई हुई है बारिश का कोई नामो निशान नहीं है यहाँ पे रोड अच्छा आ जाएगा तो मज़ा आ जाएगा यार पूरा ऑफ रोडिंग ही चल रहा है जब से यहाँ पे अंदर आए हुए चलो इधर ही चलो इधर या इधर कहाँ चलना है चलो सामने एक काम करो पूरा लाइनअप ही लगा दो अच्छा यहाँ पे है जगह फिर ठीक है बढ़िया जगह है ओ भाई अभी बाइक गिरने वाली थी ओ भाई गिर गया अरे अरे उड़ जाएगा भाई रिकॉर्ड हो गया क्या चल रहा है इनका पार्किंग के लिए भेजा था और इनका क्या चल रहा है इधर वो देखो देखो उधर सही भाई ये सब जाते टाइम करेंगे अपन अभी लगा दो आराम से लाइन अप कर दो लगा दो खाते पीते अभी बढ़िया कुछ अरे वापस करना क्या हुआ चेन काफी लूज है भाई इसका एक मिनट रुक अरे नहीं वो बेंड आ गया छोटा सा बेरिंग है वो चलेगी चलेगी भागेगी दौड़ेगी सब चलेगी चलेगी उसका कुछ इशू नहीं है उधर जाके अपन हाईवे पे गए ना तो धक 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 तो वो रहा अपना लाइनअप अपने बाइक्स लग गए पूरे तो यहाँ पे अभी करते हैं ब्रेकफास्ट है स्पेस अच्छा है वैसे स्पेस अच्छा है ना इधर मस्त बड़े बड़े टेबल है ओ टेंट भी है जाओ बैठ जाओ अंदर जिसको बैठना भूख लगी हुई है काफी कब से देखते आ रहे थे होटल्स अभी खाते पीते हैं बढ़िया सा दिखाते हैं क्या खा रहे हैं फिर निकलेंगे यहाँ से ओ इन्होंने खा लिया है अभी आई है भाई कांदा भजी उठा रहे सब फटाफट लो उठाओ भाई दिखाओ ना तो इधर से दूर से देख खाओ भाई खाओ मस्त है अंडा भुर्जी भी खा रहे हैं और अभी अपनी मैगी भी आ गई कब से खा रहे हैं अपने को एक घंटा हो गया कम से कम यहाँ पे एक्चुअली वाटरफॉल हम लोग आगे जाने वाले थे बट वो एक तो धूप है आप देखो मौसम कैसा है और फिर चल के जाओ डिहाइड्रेशन बहुत हो जाएगा तो और हमारा कम से कम 2 घंटा भी जाएगा तो हम लोग भी क्या कर रहे हैं यहाँ से गेयर अप होते हैं और फिर निकलते घर के लिए बाकी रास्ते में मिलते हैं तो हम लोग ने जस्ट अभी यहाँ पे ब्रेकफास्ट किया ब्रेकफास्ट ब्रंच हो गया सारा तो अभी निकल रहे हैं पोहा वगैरह भुर्जी सब कुछ खाया चाय तो नहीं मैंने नींबू पानी पिया क्योंकि बहुत गर्मी है कुछ बंदे गए हैं आगे वाटरफॉल देखने के लिए यहाँ पे फोटोशूट चल रहा है
और कुछ निकल गए, देखिए अभी कितने बाइक्स बचे, वो आगे वाले छोड़ के एनफील्ड से ये अपने हैं और बाकी अपने ये दो और तीन उधर है। तो वन साइड ये हुआ है 86.3 किलोमीटर्स, अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। तो चलो ठीक है, वो जस्ट रोड की वजह से ऑफ रोड बहुत होगा इसलिए ज़्यादा टाइम लगा, और यहाँ पे भी काफ़ी टाइम लग गया हमें। तो हम लोग अभी जाने के लिए अभी हम दूसरे रास्ते से जाने वाले हैं खेड़ शिवापुर होके, ताकि हम मतलब थोड़ा जल्दी हम लोग हाईवे पे निकल जाएंगे, तो हाईवे से होके जाएंगे। आते टाइम हम अंदर से आए थे खड़कवासला वाले रोड से, तो अभी जाते टाइम हाईवे से जाएंगे। ये रास्ता ऐसा है कि शोल्डर्स और थोड़े पाम्स पेन कर रहा है, रिस्ट भी पेन कर रही है थोड़ी थोड़ी। हाईवे होता तो नहीं कुछ लगता है, बट हाईवे पे हम जाएंगे बहुत जल्दी तो फिर अच्छा लगेगा। अब तक तो ऐसा हो रहा है कि कब यहाँ से बाहर निकलेंगे ऐसे रास्तों से। आज तो फुल ऑन ऑफ रोड हो गया आरसी पे। ये जाते जाते भी व्यू देख लीजिए, बढ़िया एकदम, बहुत सही है। बारिश आई नहीं बिल्कुल भी, धूप ही है और रुक नहीं सकते ज़्यादा देर। मंथन की बाइक के एग्जॉस्ट का नट गिर गया बेचारे का, पहली बार कभी तो है। पहली बार कौन सा वाला गिरा है? अच्छा इधर वाला, अच्छा इसमें जो नीचे लगता है इधर एग्जॉस्ट का नट गिर गया। इजिप्टा है अपने पास भाई के पास लगा भाई, तो ये पूरा वेट जा रहा है फिर इधर इंजन के ऊपर। ये यहाँ से निकल गया तो पूरा हो गया, तो यहाँ पे टाई लगा अच्छे से, जितना टिकता होता टिकता, दो तीन टाई, एक इसको लग गया ब्रेक ऑयल को और एक इसको लग गया ना। चलो टाइट हो गया भाई, चलो चलो तालियां गालियां जो भी है, चलो निकलो फटाफट, चलो गाइस चलो लेट्स गो। काफी टाइम हो गया, धूप बहुत हो गई भाई। अभी हम लोग खेड़ शिवापुर वाले रूट पर है, मतलब अभी तक हम बाहर हाईवे पे गए नहीं है, बट ये वाला काफी रोड अच्छा है वैसे, वहां पर और काफी खराब था। ये बढ़िया फटाफट निकल रहे हाईवे पे, निकलेंगे और फिर घर निकलेंगे वहां से। एक्चुअली पीछे एक रास्ता था जो लेफ़्ट में जाता था, वो बहुत ख़राब है बोल रहे थे, और वो शॉर्टकट है काफ़ी, बट ये थोड़ा अच्छा है और लॉन्ग कट है, तो क्या होता है फिर टाइम तो उतना ही लगता है और उल्टा गाड़ी की वाट लगेगी वो अलग। तो मैंने बोला कि चलो फिर जो अच्छा रास्ता है लॉन्ग है कोई इशू नहीं है, डायरेक्ट हाईवे पर वो भी जा रहा था, बट टाइम उतना ही लगता है फिर लॉन्ग कट हो फिर या तो ख़राब हो स्लो में जाएंगे या हम फास्ट फास्ट निकल रहे हैं। ये देखिए ऐसे रास्ते मिलते हैं खराब। सो फाइनली हम हाईवे पे पहुंच गए हैं, और टोटल वहां से हाईवे यहां से हम आए जहां से माझे घाट से ये पूरा पड़ा हमें 49 किलोमीटर्स, मतलब 48.6, पूरा 49 किलोमीटर हो गया वहाँ से यहाँ, बहुत अच्छी बात है। तो अभी हाईवे है बहुत बढ़िया हमें जाने के लिए यहाँ से। तो अभी जस्ट हमने लस्सी पी यहाँ पे, मैंगो लस्सी पिया और फिर अभी निकल रहे हैं। 35-40 किलोमीटर्स है यहाँ से घर, और आराम से एक घंटे में घर पहुँच ही जाएंगे। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, RR 310 का सीट काउल बढ़िया है, और मिरर्स भी चेंज है, चलाया नहीं कभी, नेक्स्ट टाइम कभी चलाएंगे। तो अभी निकलते हैं यहाँ से, चलिए सही सलामत यहाँ तक आ गए वापस काफ़ी ऑफ रोडिंग के साथ। और अभी जो हाईवे मिला है बढ़िया, ये सबसे बेस्ट हाईवे है, तो फटाफट यहाँ से निकलेंगे, घंटे तक घर पहुँचना है, एक का सवा घंटा लग जाए कोई बात नहीं।
तो हम लोग हैं 10-12 राइडर्स, टोटल 19 थे, 4-5 पहले निकल गए और काफ़ी मज़ा भी आया अलग एक्सपीरियंस करके। और मेरा जो मेटजलर का, मेरी आरसी का जो रियर टायर है, बस अभी वो ख़त्म ही है, चेंज करने वाला है, तो मैंने ऑर्डर कर दिया था, तो आई होप वो घर पे उसका डिलीवरी हो गया होगा। तो रियर टायर है, फ्रंट वाला अभी फ़िलहाल है, तो फ्रंट बाद में ऑर्डर करेंगे, तो उसको फिर मैं चेंज कर दूंगा। चेंज करने से पहले मतलब आज बर्नआउट नहीं मार पाया, क्योंकि अगर बर्नआउट मार दिया तो मैं वहीं रुक जाता था, तो वो मतलब मुश्किल वाला काम हो जाता मेरे लिए यहाँ से घर वापस जाना। तो बर्नआउट मैं तभी करूँगा, मेरा मतलब तो बर्नआउट मैं तब करूँगा जब मैं टायर चेंज कराऊँगा, कल परसों कभी भी टायर तो आ गया होगा। तो आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए राइड सेफ, राइड हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, सत श्री अकाल।